हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर मोस्ट फेवरेट शो बॉलीवुड मसालेदार गपशप। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त आयुषी और आज फिर आपके लिए हाजिर है एक ताजी मसालेदार गपशप। आज की ताजा खबर ये है कि सुनील शेट्टी अब फिर नजर आएंगे गाते हुए, वो भी पूरे 18 साल बाद। जी दोस्तों, आपको भी धक्का लगा ना? मैं भी एक बार सोच में पड़ गई थी कि सुनील शेट्टी हमारे धड़कन फेम स्टार, वो भी गाते हैं। सुनील शेट्टी ने सन 2000 में एक किड्स राइम एल्बम जिसका नाम है जंतर मंतर एज अ सिंगर डेब्यू किया और अब पूरे 18 साल बाद वो उसी लहजे में दोबारा नजर आएंगे और इस बार उन्होंने एक रेडियो चैनल के लिए जिंगल गाया है। एक इंटरव्यू के दौरान मिस्टर शेट्टी ने ये कहा कि मैं गाने में तो बहुत बुरा हूँ और मुझे तो सुरताल की कोई समझ ही नहीं है, पर उन्होंने ये भी कहा कि उनके म्यूजिक डायरेक्टर्स राज और शब्बीर ने उन्हें बहुत मोटिवेट किया कि नहीं सर, आप तो गा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने काफी सोच समझ कर इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ की, क्योंकि उनका ये मानना था कि वो एक्टिंग से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप फिल्मों में गाने का शौक रखते हैं, तो उन्होंने बड़ा हंसकर जवाब दिया कि अगर ये जिंगल लोगों को पसंद नहीं आया तो आप ये मुझे आखिरी बार गाते हुए देखेंगे, और अगर मेरा ये जिंगल लोगों को पसंद आ गया और उन्हें लगा कि मुझ में गाने की काबिलियत है तो फिल्मों में गाने के बारे में सोचा जा सकता है। चलिए सुनील शेट्टी साहब, हम तो आपको यही कह सकते हैं कि आपका ये जिंगल लोगों को पसंद आए और हमें आपको फिल्मों में गाते हुए देखने का मौका मिले। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जुड़े रहिए गेस्ट टीवी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।